अभी पहला इवेंट खत्म हुआ है चमकार का, ऐसा मिस किया मिनोचो जो है कन्वीनर यहाँ की. मैम आई नो No, not at all. Everything's going to go well. I have a really good team. I have about 500 people working and they're doing their best. I don't think there's going to be a problem with anything. And I'm pretty confident. Baki bhagwan ki marzi jaisa hona hoga waisa hi hoga. But apart from this, I'm pretty confident ki sab theek hoga and I'm not nervous. Everything is going well. Sab kuch theek ho raha hai. Pehla event hua kaisa hua? Pehla event great tha, bahut zyada, much better than what I had expected because a lot of on-spot and spontaneous participation bahut zyada thi and it was really good. And the best part was people were confident enough to come and participate on their own. So that was great. The flash mob was great. The dances were great. And the response was even better. Itne sare log aaye flash mob dekhne ke liye. So I was pretty happy. And kitne log expected to roughly join? I think there were around 250 people jo dekhne aaye the and about 50 people were participating in the flash mob. And it was a really great performance. The entire performance was really great, very entertaining. And I think people enjoyed. ओके द झंकार फेस्टिवल इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे. आज हमारी प्रमोशनल इवेंट्स हैं, दो इवेंट्स हो रही हैं. एक अभी प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हो गई है और सेकेंड होगी शाम को जागो अराउंड 6:30 इट स्टार्ट फ्रॉम द स्टूडेंट सेंटर. जागो बेसिकली झंकार का एक ट्रेडिशन रहा है बहुत सालों से. इस बार 39th टाइम झंकार हो रहा है तो ये ऑलमोस्ट हर बार होती ही है. और ये जागो यहाँ स्टूडेंट सेंटर से निकलती है ना गर्ल्स एज एन इन्विटेशन टू ऑल द गर्ल्स हॉस्टल. और सारी गर्ल्स को इनविटेशन जाता है कि आप लोगों ने झंकार में आना है, पार्टिसिपेट करना है और जितनी हमारी स्टार नाइट इवेंट सब कुछ हो रहा है यू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ इट बिकॉज इट्स द यूनिवर्सिटी फेस्टिवल. सो टू इनकरेज पार्टिसिपेशन एंड व्यूअरशिप वी एक्सटेंड एन इनविटेशन इन द फॉर्म ऑफ जागो. टीम कहाँ कहाँ से आ रही है, ऑल ओवर इंडिया है, कहाँ कहाँ से? हमारी इन्विटेशन ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस नॉर्थ इंडिया में गई है एंड अबाउट 25 कॉलेजेस हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड. एंड सिंस हमारे पास टाइम थोड़ा कम था हम इतनी अच्छे से पार्टिसिपेशन नहीं ला पाए हैं पर जितना टाइम था उसके हिसाब से काफ़ी अच्छी पार्टिसिपेशन आ रही है. स्पेशली लीगल इवेंट्स जो हैं हमारे पास मॉडल यूनाइटेड नेशंस और एक्सटेम्पो मूट और क्लाइंट काउंसिलिंग उसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 10 नेशनल लॉ स्कूल्स और दिल्ली यूनिवर्सिटी HP यूनिवर्सिटी तो काफ़ी जगह से पार्टिसिपेशन आई है. अपार्ट फ्रॉम दैट लोकल कॉलेजेस ऑलमोस्ट एवरीबडी इज सेंडिंग इन टीम्स एंड अमृतसर से पार्टिसिपेशन आ रही है, दिल्ली से पार्टिसिपेशन आ रही है. सो वी हैव अ वेरी गुड रिस्पॉन्स. और कौन कौन से इवेंट्स और कितने इवेंट्स हैं? देर आर मोर देन 30 इवेंट्स हैपनिंग दिस टाइम एंड काफ़ी सारे बहुत नए इवेंट्स हैं जैसे कि मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस, दैट्स अ वेरी लिटरेरी एंड एकेडमिक सॉर्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस. इसके अलावा जो नए इवेंट्स हैं RJ हंट हो रहा है जिसके विनर को हम एक घंटे का RJing टाइम दे रहे हैं एज अ प्राइज ऑन 94.3 FM. देर इज गोइंग टू बी अ कॉम्पिटिशन कॉल्ड रेस्ट्रो रनिंग, उसमें आपने अपना कुछ भी पकाना है एंड यू हैव टू सेल इट हियर द होल डे. यू हैव टू सेल सॉर्ट ऑफ रन अ बिजनेस फॉर वन डे एंड जो भी मैक्सिमम कलेक्शन होती है द कलेक्शन इज योर्स एंड यू विन. सो काफ़ी सारे इवेंट्स हो रहे हैं और लिटरेरी एकेडमिक क्रिएटिव ऑल टाइप्स ऑफ इवेंट्स आर हैपनिंग. एंड एक और चीज़ जो इंटरेस्टिंग हो रही है ग्रेफिटी, वो यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर पर ही होगी एंड वी गोना गिव देम द होल फ्लोर, वी कैन यूज द एंटायर स्पेस एंड वी आर होपिंग फॉर गुड पार्टिसिपेशन.